अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की खुली कचहरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल राव। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 मई 2013 को आम इंतखाबात मुल्क में होने जा रहे हैं। ये अपनी नौयत के अहम इंतखाबात नाज़रीन इसलिए होंगे क्योंकि 118 के करीब सियासी जमातें इसमें हिस्सा लेने जा रही हैं। इस इलेक्शन के अंदर दो एलिमेंट्स का टाकरा होगा, एक जो एलिमेंट है वो रिवायती सियासत का एलिमेंट है, दूसरा तब्दीली का एलिमेंट है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो दूसरी बड़ी पुरानी और बड़ी जमातें हैं वो रिवायती सियासत का ढोल लिए आवाम के अंदर जाके पीट रही हैं। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन 2013 का ताज जो है रिवायती सियासत के सर पे सजेगा या इमरान खान साहब इस ताज को पहनेंगे। ये तो नाज़रीन सिलसिला है। एक और जो खुशगवार एलिमेंट इस इलेक्शन के अंदर देखने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत है। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन बहुत से ऐसे सख्त कवानीन उम्मीदवारों के लिए बनाए गए हैं जिसकी वजह से बुनियादी सियासत जो है पाकिस्तान में और जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है सियासत का वो मजबूत होगा पाकिस्तान के अंदर। कुछ ऐसे मामलात आए हैं सामने कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन एक जारी किया है कि जिस उम्मीदवार ने अपने बिजली के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन्स के बिल और बाकी यूटिलिटी बिल्स पे नहीं किए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। और अगर वो जीत भी गया और बाद में पता चला कि बिल पे नहीं हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे नाअहल करार दे देगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो भी अगर धांधली में मुलविस पाए गए तो उनको भी 3 साल या 5 साल कैद हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन बहुत से ऐसे सख्त कवानीन हैं कि जिस तरह हम बात कर सकते हैं जाली डिग्री के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई 190 के करीब केसेस ऐसे आए हैं जो नाअहल करार पाए जा सकते हैं जाली डिग्री के हवाले से। तो ये तो नाज़रीन कौमी सियासत का एक हमने अहवाल आपको पेश किया। जैसा कि आप जानते हैं कि सच टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने खुली कचहरी का आगाज़ लाहौर से कर दिया है। आज नाज़रीन मैं फौजी एरिया में मौजूद हूँ, यानी लाहौर कैंट में मौजूद हूँ। कौमी असम्बली में ये हल्का NA 125 है, जबकि पंजाब असम्बली में ये हल्का PP 156 है। ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और इसके बारे में ये मशहूर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ पर गदा, घोड़ा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, खंबा जो भी खड़ा कर दें लोग उसे जिता देंगे, यानी कि वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़ता है। नाज़रीन 2008 के इलेक्शंस में वोटर्स की जो तादाद थी जो मुझे पता लगी है मुख्तलिफ ज़राए से वो तकरीबन 1,60,000 थी। उसके बाद नाज़रीन अब 2013 की जो नई इंतखाबी फहरिस्तें आई हैं उनके मुताबिक 1,90,000 वोटर्स इन इलेक्शंस में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब नाज़रीन हल्का NA 125 से यहाँ से जीते, उन्होंने 70,000 से ज़्यादा वोट लिए। उसके बाद सूबाई असम्बली की नशीत से, PP 156 की नशीत से यासीन सोहल साहब ने तकरीबन 23,000 से ज़्यादा वोट लिए और वो कामयाब ठहरे। इस प्रोग्राम का नाज़रीन मकसद ये है कि एक हाकिम को हम अवाम के सामने लाने की कोशिश करते हैं कि 5 साल कारकर्दगी अवामी राय के मुताबिक क्या है। आज आप देख रहे हैं कि खुली कचहरी में बहुत से लोग आए हुए हैं, तो नाज़रीन आज की इस खुली कचहरी में यासीन सोहल साहब अवाम का सामना करेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक बैलेंस व्यू हल्का NA 125 और PP 156 का पेश कर सकें। इससे पहले कि नाज़रीन हम खुली कचहरी में लोगों से बात करें, यासीन सोहल साहब की गुफ्तगू सुने, हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है 2008 के जो रिजल्ट है इस हल्के के अंदर, वो आप पैकेज देखिए, वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम दोबारा आपसे मिलते हैं और यासीन सोहल साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। तेजी से करीब आते इलेक्शन 2013 की तैयारियां उरूज पर हैं। सियासी बुखार हर सियासी पार्टी पर हावी है।
और यही वजह है कि लाहौर का तगड़ा और पोश इलाका लाहौर कैंट भी इस बुखार का शिकार है। इलेक्शन 2013 में इस इलाके के वोटर्स का मूड जो भी हो, मगर पंजाब असम्बली के इस हलका पीपी 156 के इलेक्शन 2008 में नतीज लाहौर के बाकी हलकों की तरह ही थे। पीपी 156 से एमपीए की सीट की दौड़ में मुस्लिम लीग नूर के मोहम्मद यासिन सोहल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक आसिफ जहांगीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी शामिल रहे। मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासिन सोहल 27,873 वोट लेकर ये दौड़ जीत गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलक आसिफ जहांगीर के हिस्से में 13,365 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मोहम्मद शुएब सिद्दीकी के हिस्से में 6,773 वोट आए। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी हल्का NA 125 पे, और जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन के खुली कचहरी में बहुत से लोग आए हुए हैं, वो यासिन सोहल साहब से सवालात करना चाहते हैं। इस रिपोर्ट में हमने नाज़रीन ओवरऑल जो रिजल्ट्स थे वो पेश करने की कोशिश की कि 2008 में इस हलके का जो नतीजा था वो क्या रहा। मेरे साथ यासिन सोहल साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि 5 साल कारकर्दगी उनकी कैसी रही। सोहल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और आपके सपोर्टर्स जो हैं आपके लिए नारे लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 5 साल आपने बतौर MPA इस हलके में हुकूमत की, आप मुतमिन हैं कि आपने इंसाफ किया MPA के उहदे से इन 5 सालों में? मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमिन है जी, मैंने इन 5 सालों में अपनी हत्तल मकदूर कोशिश की कि अपने हलके के लोगों की खिदमत कर सकूं। आज उसका मुंह बोलता सबूत आपके सामने है, आप सवाल करें लोगों से सवाल पूछें। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और मैंने लोगों की खिदमत की, और अल्लाह ताला ने अगर मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं इससे भी ज़्यादा खिदमत करूँगा। और क्योंकि सियासत का मकसद ही खिदमत है, जो खिदमत नहीं करते, जो लोगों के काम नहीं करते, जो लोगों के मसाइल नहीं हल करते, उन्हें सियासत करने का कोई हक नहीं है। सोहल साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, ऑफ द कैमरा मैंने कुछ लोगों का मतलब व्यू जानने की कोशिश की, सर्वे किया एक, उनका ये कहना है कि ख्वाजा साद रफीक साहब जब से इलेक्ट हुए 2008 के इलेक्शन में, उसके बाद से दोबारा यहाँ पर नहीं आए, यासिन सोहल साहब ही फिरते रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? MNA आ नहीं रहा, MPA जो है वो भी कभी कभी दर्शन कराता है। ये बिल्कुल गलत बात है। दरअसल बात ये है कि ख्वाजा साद रफीक, मैं और मियां नसीर, हम तीनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तो ख्वाजा साहब जो हमें ड्यूटी लगाते हैं वो हम काम करते हैं, वो भी हर जगह हलके में जाते हैं। हमने हलके के अंदर 2 डिग्री कॉलेज बनाए हैं, बहुत सारे स्कूल बनाए हैं, स्कूलों को अपग्रेड किया है, डेवलपमेंट की है, सड़कें बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, कब्रिस्तान बनाए हैं, तो बहुत काम किया है। और मैं ये समझता हूँ लाहौर में ये वाहद हलका है जिसमें MNA, दोनों MPA और जितनी तंजीम है वो सारी एक छत के नीचे बैठ के काम करती है। सोहल साहब, लोग ये भी कहते हैं कि आपका जो सारा रुझान है ना तरक्याती कामों का, वो वॉल्टन की तरफ रहा है, क्योंकि वो फौजी एरिया है, पॉश एरिया है, इसलिए आपने भी अपनी सारी तवज्जो उधर मबजूल कर दी, बाकी हल्का रह गया, वहाँ पे तरक्याती काम हुए नहीं, अगर हुए तो बहुत कम मिकदार। ऐसी बात नहीं है, आप मेरे हल्के की किसी आबादी में चले जाएं, चाहे वो जलारा हो, चाहे वो गौसिया कलोनी हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो नादराबाद हो, मरियम कलोनी हो, निषाद कलोनी हो, LDA क्वार्टर हो, कोई भी आबादी मेरे हल्के की, मियां मीर कलोनी हो या कोई भी मदीना कलोनी हो, किसी आबादी में भी आप चले जाएं, तमाम आबादियों में हमने मसावी सलूक किया है। और हर जगह पे, किसी जगह पे स्कूल बनाया है, किसी जगह पे कॉलेज बनाया है, किसी जगह पे पार्क बनाई है, किसी जगह पे सड़क बनाई है, सबको अपने वसाइल जो हमें मिले थे उसमें रहते हुए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि हमने पूरी बतौर टीम मिलके मियां शहबाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा फंड लिए हैं और अपने हलके के अंदर बड़ी डेवलपमेंट की है। अच्छा, एक बात और भी है कि ये कैंट का एरिया है, फौजी छावनी है यहाँ पे, वैसे भी सिक्योरिटी के मामला होते हैं यहाँ पे। कैंटोनमेंट बोर्ड का आपके साथ क्या कोलिशन है? मतलब ये कुछ लोगों ने ये कहा कि सोहल साहब ने कोई काम नहीं किया, ख्वाजा साद रफीक साहब ने कोई काम नहीं किया, कैंटोनमेंट बोर्ड जो है सिर्फ अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और नाम इन लोगों का हो जाता है। मैं कहता हूँ ये कॉलेज किसने बनाए हैं, भट्टा चौक की तस्वीर किसने की है, बेदियाँ रोड किसने बनाई है, स्कूल किसने बनाए हैं, कब्रिस्तान किसने बनाए हैं, और ये सारे काम हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंड से करवाए हैं। हालांकि बेसिकली जिम्मेदारी कंटोनमेंट बोर्ड की होती है, हमें तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे काम
कंटोनमेंट बोर्ड को करने चाहिए, लेकिन हमने चूंकि कंटोनमेंट बोर्ड के पास इतने वसाइल नहीं थे, हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फंड लेकर, गैस का काम तो कंटोनमेंट बोर्ड नहीं करता, बिजली का काम तो कंटोनमेंट बोर्ड नहीं करता, एजुकेशन का काम तो कंटोनमेंट बोर्ड नहीं करता, ये सारे काम हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से फंड लेके सारे के सारे काम करवाए हैं। आपको जो फंड्स मिलते हैं, मतलब साल में कितने मिलते हैं और सालाना जो फंड्स मिलते हैं आपको, वो सेम तरीके से मिलते हैं? नहीं नहीं, शुरू में तो हमें 80 लाख मिलता रहा है साल का। अच्छा। और एक दो बार 2 करोड़ भी मिला, 4 करोड़ भी मिला, लेकिन हमने खुसूसी ग्रांट सीएम साहब से ली है। ये 2-2 करोड़ से या 1-1 करोड़ से कॉलेज नहीं बना करते या पार्क नहीं बना करते, 1-1 कॉलेज पे 7-7 करोड़ खर्च आया है, 1-1 पार्क पे 6-6, 7-7 करोड़ खर्च आया है। तो ये सीएम पंजाब ने, खादमी आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी शफकत की है, उन्होंने हमें करोड़ों रुपए के फंड दिए हैं, जिसकी वजह से ये सारे मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचे हैं। अच्छा सर, पुलिस के रवैये की तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे खास तौर पे ये शिकायत मिली लोगों की तरफ से कि पुलिस का रवैया जो है वो ठीक नहीं है, दुकानदार है वो पुलिस के रवैये से तंग है, तो वो आपके पास शिकायत भी लेके आया कि पुलिस को जरा समझाएं कि जरा थोड़ी सी तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, और वो उनको धमकाते हैं, उनसे पैसे वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, तो ये शिकायत आप तक पहुंची है? बड़ी शिकायतें पहुंची हैं, जिस किसी ने भी मेरे हलके में मुझे आके शिकायत की है कि फलां पुलिस वाले ने मुझसे पैसे लिए हैं, अगर शाम तक उसके घर पैसे नहीं पहुंचे तो वो मुझे बता दे। लेकिन कोई एप्लीकेंट बने, एप्लीकेंट नहीं बनते लोग भी एप्लीकेंट बने, जो एप्लीकेंट बनते हैं, जो आके पुलिस की शिकायत करते हैं, उनका हम अजाला करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पुलिस का निज़ाम हम प्रॉपर अंदाज से ठीक नहीं कर सके, और वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि साबिक हमारे वज़ीर आला हैं, खादमे आला, उन्होंने ये तहिया कर रखा है कि अगर अल्लाह ने हमें दोबारा मौका दिया तो सबसे पहले हमने ये पटवार कल्चर और पुलिस कल्चर ठीक करना है, और थाने में जब तक शरीफों की इज्जत नहीं होगी उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड का हॉस्पिटल है, मतलब उसको, उसकी जो लुक आफ्टर है, उसके जो फंडिंग के मामलात है, सेहत के मामलात है, दवाइयों के मामलात है, वो कैंटोनमेंट बोर्ड देखता है, आपने कुछ नहीं किया, लोगों का ये कहना? नहीं, मैं बताने लगा हूँ, वो हॉस्पिटल बनाया किसने है? वो कशमाला तारक हमारी MNA थी, उसके फंड से बनाया है, चाहे ख्वाजा साद रफीक ने बनाया या मैंने बनाया, एक अवामी नुमाइंदे ने बनाया। लेकिन वो हमने बनाया तो कैंटोनमेंट बोर्ड के आगे ना सर। अब वो कशमाला तारक भी मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। अच्छा। तो वो हॉस्पिटल उन्होंने बनवाया था। अच्छा। तो वो कैंटोनमेंट का चूंकि एरिया है, चलाना उन्होंने है, हमने खादमे पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये वादा ले रखा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हमें दोबारा मौका दिया तो हम इस पूरे एरिया के अंदर एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे। अच्छा। लेकिन इन 5 सालों में सर, ये 5 सालों में मौका नहीं मिला आपको? नहीं, 5 सालों में जितना काम किया है, शुरू में आपने कहा कि बहुत MP और MNA के पास महदूद फंड होते हैं। अच्छा, उन फंड में रहते हुए हमने अपनी औकात से ज्यादा काम करवाए हैं। इंशाल्लाह अगली बार हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे। बुनियादी जरूरतें हैं, तालीम, सेहत, ये बुनियादी जरूरत। तालीम पे तो हमको बुनियादी जरूरत पे फोकस। तालीम पे तो हमने बेशुमार काम किया है। अच्छा। हमारे जितने स्कूल थे, जो प्राइमरी था मिडिल, जो मिडिल था हाई, जो हाई था हायर सेकेंडरी स्कूल, 2 डिग्री कॉलेज, एक हलके के अंदर एक टनोर में 2 डिग्री कॉलेज बनाना कोई आसान काम नहीं है, वो भी लाहौर के अंदर। बड़ी मुश्किल से हमने बड़ी मेहनत की है, उसकी एक एक ईंट पे मेहनत की है, तब जाके ये कॉलेज बने हैं, क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं। हम इंशाल्लाह अपनी आवाम से, ये जो हजारों लोग खड़े हैं, मैं इनके सामने वादा करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें अगर दोबारा मौका दिया तो हम अपने हलके के अंदर हॉस्पिटल भी बनाएंगे, क्योंकि लोगों की सेहत का मसला हल करना बहुत जरूरी है। सर ये बनाएंगे, करेंगे, ये हर बात। अब तो मैं MPA नहीं हूँ, अब तो नहीं मैं बना सकता। नहीं। अगर अल्लाह ने मुझे दोबारा MPA बनाया, इन लोगों ने मुझे, मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर एतमाद किया, तो मैं इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूँ कि हम हॉस्पिटल भी बनाएंगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो कुछ नहीं कर रही, इंतजामिया सोई हुई है। मैंने एक जगह पे अभी सर्वे में पता किया, 1 लीटर दूध की कीमत 4 है, यानी कि 60 रुपए लीटर मिल रहा है, 50 रुपए लीटर मिल रहा है, 45 रुपए और 40 रुपए। प्राइस कंट्रोल का सिस्टम है, मजिस्ट्रेट आते हैं, छापे मारते हैं, लोगों को पकड़ते हैं। हमारे कई लोग नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ कई लोग हाथ खड़ा करके आपको बताएंगे जिनके खिलाफ FIR भी हुई है। अच्छा। हमने नहीं उन्हें रोका कि आप ना रोके, लेकिन ये बात लोगों को भी देखें, जो लोग ग्राम फरोशी करते हैं, जो लोग गलत काम करते हैं, उसमें सारा दोष हुकूमत का नहीं है, इसमें कल्चर ऐसा बन गया है। इंशाल्लाह हम इसको डेवलप करेंगे, और ये नहीं हो सकता, हम इसको कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। किस हद तक कंट्रोल हुआ सर? बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो सका। अच्छा,
तो इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? फ्यूचर इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे, इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे। लोग अब एजुकेट हो रहे हैं, इंशाल्लाह ये नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आ रही है महंगाई, इंशाल्लाह महंगाई भी कम होगी और कीमतों पे भी हम कंट्रोल हासिल करेंगे। कुछ इलाके जो है आपके हल्के में रह गए हैं जिनके काम नहीं हुए, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जिनके हो गए उनको मुबारक हूँ, जिनके नहीं हुए उनके इंशाल्लाह उनसे वादा करते हैं कि अगली बार करवाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आपके जो इतने सारे हजारों लोग इस वक्त खुली कचहरी में मौजूद हैं, ये वोट आपका उतना ही है या कम हुआ है? मैं कहता हूं कि इंशाल्लाह उससे कहीं ज्यादा, पिछली बार मुझे 28,000 वोट पड़ा था, इंशाल्लाह इस बार डबल वोट पड़ेगा। आप देखें ये नौजवान यंगस्टर की जो लोग बात करते हैं, ये सारे नौजवान खड़े हैं, सारे नौजवान देखें, ये नौजवान किसके साथ हैं? ये नौजवान नवाज शरीफ के साथ हैं। अच्छा। ये नौजवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। ये आपसे मेरी दूसरी नशिस्त है, इससे पहले भी मैं आपके साथ एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। मनाजर अली स्ट्रीट है बेदिया कैंट लाहौर में, वहाँ पे पीने का पानी का मसला था, सीवरेज का मसला था, टूटी हुई सड़कें थी, मतलब मैं अगर वहाँ पे गया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं भावलपुर के किसी रेगिस्तान में हूँ। उसका अब क्या आपने किया है, उसका कुछ किया है? लोग वैसे ही जलील हो रहे हैं। राव साहब वो नई आबादी बनी थी, नई आबादी वहाँ बहुत सारा काम होने वाला था, वहाँ न गैस थी न बिजली थी न पानी था। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने सारी चीजें दे दी हैं, वहाँ सीवरेज हमने डाला है, बहुत सारी हमने सड़कें भी बनाई हैं, लेकिन अभी भी कुछ सड़कें रह गई हैं, अभी भी लोग नादराबाद के बैठे हुए हैं, इसी हजूम में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर वही बात फिर मौका दिया तो अगली बार आप आके 5 साल बाद प्रोग्राम करेंगे तो पूरे पीपी 156 में कोई एक काम अगर बाकी रह गया तो मैं सियासत नहीं करूंगा। आपके मुकाबले में इस इलेक्शन में कौन आ रहा सर? मेरे मुकाबले में अभी तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान जो तब्दीली की बात करता है, जो चेंज की बात करता है, वो कहता है नवाज शरीफ के मुकाबले में मैंने इलेक्शन लड़ना है, नवाज शरीफ इमरान खान मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े, अगर मैं उसकी जमानत जब्त ना करवाऊं तो मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा। सर इसका फैसला तो इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद होगा ना सर? अल्लाह बेहतर करेगा। आपके हल्के की तरफ आते हैं, स्कूल और कॉलेजेस की नई इमारतें बनी है, सरकारी स्कूलों का हाल जो हमेशा से ही पतला रहा है, वहाँ पे शिकायत ये है कि अगर जो गर्ल्स स्कूल में जो टीचर्स हैं, ख्वातीन टीचर्स हैं, वो अव्वल तो आती नहीं, अगर आती है तो वो उनका गोला है वो साथ ले गए थे, स्वेटर बुनती रहती। मेरे हल्के में ऐसा नहीं होता सर, मैंने सुना है ऐसा। मेरे हल्के में कोई एक स्कूल बता दें, कोई एक स्कूल। अच्छा, आप अब लोग सिफारिशें करते हैं, कॉलेज की सिफारिश नहीं कोई लेके आता, मैं सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल की सिफारिश लेके आता है कि हमें दाखिला करवाएं, इतना अच्छा हमने सिस्टम बनाया स्कूलों का। अच्छा, और लड़कों के स्कूलों का? लड़कों का भी। अच्छा, सेहत के वाले से क्या किया सर? सेहत का मैंने आपको बता दिया है कि जनरल हॉस्पिटल है हमारे हल्के के बिल्कुल करीब, वो वहाँ लोग जाते हैं, या CMH है या ये कंटोनमेंट का है। अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, डेंगू का सेंटर हमने अपने हल्के के अंदर कायम किया है, डेंगू पे हमने बहुत काम किया है, दिन रात काम किया है, ये सारे हमारे नौजवान बुजुर्ग हमारे साथ थे और हमने दिन रात एक करके अपने हल्के से डेंगू का खात्मा किया। डिस्पेंसरियाँ हमने बनाई हैं, फ्री डिस्पेंसरियाँ बनाई हैं सर। डिस्पेंसरियाँ बन जाती हैं, हॉस्पिटल बन जाते हैं, लेकिन लोगों की जो ख्वारी है ना वो कम नहीं होती, लोगों को दवाइयाँ दो नंबर मिलती हैं, इसकी वजह से एक बंदा जो इलाज करवाने आता है वो मजीद बीमार हो जाता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं या मेरे MNA या मेरे ये साथी, अल्लाह ताला के फजलो करम से पहला मौका है हिस्ट्री में, पहला मौका कि हमने अपने हल्के से करप्शन का खात्मा किया है। अच्छा। करप्शन फ्री हल्का बनाया है, ना किसी ने करप्शन की है ना किसी को करने दी है, उसने चोरी छप्पे अगर की है तो की है, जो पकड़ा गया उसको सजा मिली है, और इंशाल्लाह हम अगली दफा अपने हलके से मुकम्मल करप्शन का खात्मा करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं जब तक पंजाब के अंदर तालीम नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान के अंदर से करप्शन का खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और हमारी पार्टी का ये मंशूर है कि हमने करप्शन का खात्मा करके दम लेना है, और आपको यह भी पता है कि जिस तरह हमने पिछली दफा हल्फ दिया था कि अगर हम कामयाब हुए तो हम अदलिया को बहाल करेंगे, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने अदलिया को बहाल किया, इस बार हमने हल्फ दिया है कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाया तो हम करप्शन का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। अच्छा, आपने करप्शन की बात की, ऑफ दी कैमरा कुछ लोगों ने मुझे ये कहा है कि फंड्स मिलते हैं इनको ठीक ठाक, MNA को, MPO को, लेकिन
काम करवा देती है कैंटोनमेंट बोर्ड और फंड चले जाते हैं उम्मीदवारों की और एमएनए एमपी की जेबों में, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि कोई एक भी बात अगर ऐसी साबित हो जाए पूरे हल्के से, सर अगर हमने पूरे ये बात आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी तो रिकॉर्ड लोगों के कहने की बात नहीं मैं करता, कोई एक सबूत पूरे हल्के से पूरे एन 125 से आ जाए तो लोगों की ऐलान करता हूँ कि हम हमेशा हमेशा के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लोगों की गवाही भी सबूत ही है, लोगों की गवाही कोई सबूत नहीं, इल्जाम है। अच्छा इल्जाम है, इल्जाम होता है। अच्छा कुछ बिजली की तारें मैंने देखी हैं कि मतलब ऐसे ही एक वो गुल जैसा बना हुआ उनका, वो अल्लाह ताला ने अगर नवाज शरीफ को मौका दिया वफाक में हमारी हुकूमत हुई तो बिजली भी ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं वो तारे तो ठीक कर ले सर, बिजली तो आए ना आए वो तो ठीक, तारे भी वफाक का काम है, हमारा काम नहीं है। अच्छा वफाक का काम, वफाक है सारी गल्ला वफाक से छोड़ते हैं सर, जो वफाक का है वो वफाक ही कहूंगा। अच्छा स्ट्रीट लाइट्स का मसला है सर, स्ट्रीट लाइट्स आपके सामने लगी हुई है लेकिन बिजली नहीं आती, क्या करें सर? आप बैठे हैं ना इसलिए लगाई हुई है, बिजली नहीं आती। नहीं बिजली तो आ जाएगी ना सर, बिजली जब आएगी लाइट्स अब आप चले जाएंगे स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाएंगी सर? नहीं बंद होंगी इंशाल्लाह, नहीं बंद होंगी।